शक्ति एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान हो, जिससे कि वे अपने कार्य के बोझ से ना दब जाएं। कृपा करें कि उनके कार्यों के परिणाम उनके परिवारों के लिए सामान्य जीवन सुनिश्चित करें। शाम को वे खुशी, सुख और उत्साह के साथ घर लौट सके और एक दूसरे की नजरों में सच्ची खुशी पा सके। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि मजदूरों को उनके काम के मुताबिक उचित वेतन मिल सके तथा वे अपने मानव प्रतिष्ठा के समान पूर्ण स्थिति का आनंद ले सके। परमात्मा, इन कर्मयोगियों को आप हमेशा स्वस्थ एवं सुखी रखें। इन्हें दैनिक रोजी रोटी कमाने की प्रतिष्ठा ये दैनिक रोजी रोटी कमाने की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके। आप हमेशा स्वस्थ एवं सुखी रखें। Now let us say the universal prayer together. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। कल्याण, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि करने वाले शत्रुता के विचार के विनाश के लिए प्रवृत्त दीपक की लौ आपको प्रणाम है। इसी के साथ प्रार्थना नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मैं कक्षा प्रथम एवं द्वितीय की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ। Thank you.
अगली प्रस्तुति में कक्षा 8वीं की छात्राओं ने अपने देश के कर्मठ श्रमिकों के प्रति कृतज्ञता दर्शाने की कोशिश करें। कड़ी धूप हो या कोशिश काल, हल चला करना होता बेहाल, रिमझिम करता होगा सवेरा, इसी आस में न रोकता चाल, खेती बाड़ी में जुटाता ईमान, महान पुरुष है वो किसान। स्कूल में सबसे पहले आता, समय पर घंटी बजाता, कर रहा हूँ पदोन्नति का इंतजार, उम्र हुई मेरी 13 गुना 4, मैं हूँ सरकार का रहवासी, मैं हूँ कर्तव्य निष्ठ चपरासी। Bottom of our hearts.
स्ट्रॉ की मदद से आप लोगों को 15 सेकंड के अंदर चने उठाकर दूसरी प्लेट पर रखना है। जिसकी प्लेट पर सबसे ज़्यादा चने होंगे वो इस गेम का विनर घोषित होगा। ध्यान रहे कि चने उठाने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल ना करें। चुके हैं हम, पता नहीं इस बार फसल अच्छी होगी या नहीं। Thank you.
इनके कामों को आशीष दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, जिससे वे परिवार में प्रेम और शांति से रह सके। प्रिय श्रमिकों, आज श्रमिक दिवस के अवसर पर मैं आप सबों के लगन, मेहनत और निष्ठापूर्वक किए गए कार्य की सराहना करते हुए अपना प्यार भरा आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी कार्मिक स्कूल की नींव है, जिनके योगदान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपके परिश्रम और लगन के बदौलत ही यह स्कूल इतने अच्छे से फल फूल और सज संवर रहा है। आपके परिश्रमी हाथों ने ही इसे संभाला है। संपूर्ण स्कूल की देखरेख
रख रखाव, निगरानी, चाहे वह मैदान की सफाई हो या कक्षा की, पेड़ पौधों की या सुंदर स्वच्छ क्यारियों के खिलते मुस्कुराते फूलों की देखभाल किया है। आप सबों ने या पढ़ने वाले छात्राओं की देखरेख और जरूरतों को बड़े ही अपनापन के साथ पूरा किया है। आप सबों ने अपने परिश्रम रूपी अमृत से स्कूल के प्रांगण को सींचा है। आपके आत्मविश्वास और कष्टकर्मठता को मैं नमन करती हूँ। साथ ही यह उम्मीद रखती हूँ कि आप सबों का यह योगदान और संपूर्ण बड़ा प्यार सदैव स्कूल को मिलता रहेगा। एक बार पुनः आप सबों को आपके समर्पण और कर्तव्यपूर्ण कार्यों के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को पुष्प धन्यवाद। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रबंधक महोदय, शिक्षक शिक्षिकागण, हमारे कर्तव्य दीदी जी एवं भैया जी और मेरे प्रिय साथी, आज हम सभी श्रमिक दिवस के शुभ अवसर के उत्सव के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और अब हम इस कार्यक्रम के अंत तक पहुँच चुके हैं। मैं अपने विद्यालय की ओर से हमारे सभी कर्मशील दीदी जी एवं भैया जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं हमारे दीदी जी एवं भैया जी, यूं तो आप लोगों का आभार जताने के लिए शब्दों की लड़ी कम पड़ जाएगी। आप लोग हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। आप लोगों के होने से ही हम हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों को श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं प्रबंधक महोदय को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसे कर्मशील कर्मियों को प्रोत्साहित कर उनकी कार्यशैली को निखारा। मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इस आयोजन को हमारे लिए यादगार दिन बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंधन समिति, शिक्षक शिक्षिकागण, हमारे कर्मशील दीदी जी एवं भैया जी और मेरे